मेरा एक दोस्त आयशा जी, उसने एक दावत रखी, उधर सब दोस्तों को बुलाया, बड़ा जबरदस्त खाना, सब ने खाया। एक हमारा दोस्त जो थोड़ा सा ओवरवेट है अपने कद और उम्र के हिसाब से, अब वो जब कुछ डालने लगे तो कोई बोले और कहे कि यार तू डाइटिंग क्यों नहीं करता, यार ये तो क्रीम क्यों ले रहा है, यार तू ये क्यों ले रहा है, यार तू तू ये क्या कर। वो एकदम से टेबल से उठा और बाहर निकल गया। सब खाने में बहुत मसरूफ थे, किसी ने तवज्जो नहीं दी, मैंने दे दी। मैं उठ के बाहर जब उसे मिलने के लिए गया तो वो कोने पे बैठा हुआ रो रहा था। मैंने कहा रो क्यों रहे हो यार? कहता है मुझे एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मेरे थायराइड का भी मसला है। मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं मेरा वजन बढ़ता है। मैंने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया हुआ था कि आज दावत है, वहां जाकर थोड़ा बहुत मन मर्जी का खा लूंगा तो मूड अच्छा हो जाएगा। इन लोगों ने मुझे डाइटिंग के तरीके बता बता के मेरे नवाले गिन गिन कर मेरी आंखों से आंसू बहा दिए। मेरी आप तमाम लोगों से ये इल्तिमास है, जब तक कोई ना पूछे अल्लाह का वास्ता ना दसो कि मैं पतले होना, सब नु पता है कि रोटी छोड़ोगे तो पतले हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो पतले हो जाएंगे। तुहाडी बड़ी मेहरबानी, मजाक रात में। दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आम दे चेहरा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहाँ से ले जाया जाए। सरदार साहब क्या कहते हैं, ये जो लोग डाइटिंग के तरीके लोगों के नवाले गिनते हैं, कोई बेचारा खाना चाह रहा हो तो उसको बताना शुरू कर देते हैं कि तुम ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, तुसी उन्हां दा ध्यान कुड़ते हो हटाओगे तो गल हो। कुर्ता पा के पिंडा च बड़ा फायदा है इन्हनु। अच्छा, ये कहंदे ओ गाना मैं लिखिया टांगे वाला खैर मांगदा। टांगे वाला खैर भी मांगदा और वैसे भी मांगदा। पुरानी फिल्मां जिस बंदे नु कैंसर हो जांदा सी ओदा इहो जिहा दोस्त हुंदा सी। या सरदार साहब मैनू ये लगता कि तुहाडा दर्जी ना बैड ते बह के सींदा ते भुलेखे च बैडशीट सी देंदा तुहानू। ਤਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਸਾਨੀ ਹੋਣੀ? ਸਰਿਆਮ ਫਿਲਮ ਚ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਿਆਮ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ।